आर्य समाज निरंतर अपनी गतिविधियों के कारण देश दुनिया में जाना जाता है। ये आर्य समाज खड़ा कैसे हुआ, आर्य समाज आगे कैसे बढ़ा, उसके लिए आप देखेंगे पुरानी पीढ़ी के जो लोग थे उनके दिल और दिमाग में, मन मस्तिष्क में कहीं ना कहीं आर्य समाज के प्रति समर्पण दिखाई देता था। वो आपको लगता है कहीं ना कहीं आज धूमिल दिखाई देता है, लेकिन आज एक एग्जाम्पल हमारे सामने है। हम यज्ञ में हैं, चतुर्वेद पारायण, ब्रह्म पारायण महायज्ञ गुरुकुल गौतम नगर में आज शुरू हुआ है, जो 21 दिन तक चलेगा, 5 जनवरी को जिसका समापन है। आज उसके उद्घाटन समारोह में हम हैं। यहाँ पर मासी जी हमारे साथ हैं, सुल्तान सिंह जी, उनसे हम आज के इस कार्यक्रम के बारे में भी जानेंगे, उन्होंने विशेष सहयोग किया है उसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हम आपसे जानना चाहेंगे आप आते कहाँ से, आपका गाँव कौन सा है? मेरा गाँव बलियाना, जिला रोहतक। बलियाना गाँव अपने आप में ऐतिहासिक गांव है। मैं इससे पहले के बावजूद से और प्रश्न पूछूं, मैं बताना चाहता हूं बलियाना गांव की ऐतिहासिक भूमिका है इस आर्य समाज में। पिछले दिनों तथा कथित संत रामपाल दास के खिलाफ आंदोलन में हमारे बलियाना गांव के एक नौजवान शहीद हुए, ब्रह्मचारी उदयवीर, जो गुरुकुल लाढ़ौत के उपाचार्य थे, मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, यहाँ गुरुकुल में भी बहुत समय वो आते रहे उस गाँव से। आप तो आप यहाँ इस गुरुकुल से कब से जुड़े हुए हैं? 30 साल। तो कैसा लगता, कैसा आप इतनी दूर से स्पेशल दिल्ली आते हैं? इसलिए आता हूँ, मेरा संपर्क आया है, मैंने शादियाँ मान लिया, इस किस्म का ईमानदार सबका अतबार करने वाला ही तो आज जो जिस तरह से चारों वेदों का यज्ञ शुरू हुआ है, आपने भी एक बड़ा सहयोग यहाँ दिया है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। उसके बारे में सोनी जी बड़ा हनुमान करा था, हमारे जो पुराने थे ना यजमान गुजरते जा रहे हैं, उनके बारे में वो तो बीमार हो गया, नहीं गया था, कोई तो बीमार हो गया, कोई ना आना था, वो गुजर गया, सहयोग करना, तो मेरे मन में सहयोग किसका गमाना है, को क्या कर रहा है, नौपा से मैंने अपने मन मान भाई मैं तो पूरे यज्ञ में जो 21 दिन चलेगा उसमें घी का जो खर्च है लगभग 3,76,000 रुपए महाशय सुल्तान सिंह जी जो बलियाना से आते हैं उन्होंने अपनी तरफ से दिया है। ये कितनी बड़ी भावना है, और आप इनके परिवार से अंदाजा लगा सकते हैं कि आजकल बुजुर्गों का जो सम्मान परिवारों में होता है वही व्यक्ति वही बुजुर्ग इस तरह के कदम उठा सकते हैं, अपने आप में अनुकरणीय है। मैं आप लोगों से भी चाहूंगा कि गुरुकुलीय परंपरा में जिस तरह की यज्ञ की परंपरा आज डाली गई, और दिल्ली में जिस तरह से प्रदूषण हुआ है, और प्रदूषण के खत्म करने के लिए उसके एक समाधान के रूप में यज्ञ को बताया जाता है, तो आप भी अपने घरों में यज्ञ करें, इस तरह की संस्थाओं में यज्ञ करें, और उनमें सहयोग जरूर करें, अपने साथी आचार्य निखिल के साथ, दीक्षेंद्र आर्य, गुरुकुल गौतम नगर, दिल्ली।